हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आतंकहर्ता नागराज की वीर गति सीरीज़ के बारे में। वैसे तो इस सीरीज़ को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि जर्मनी सीरीज़, ऑर्डर ऑफ बेबल सीरीज़ और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सीरीज़ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मैं इस सीरीज़ को वीर गति सीरीज़ के नाम से बुलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सबसे पहले बता दूं कि ये 4 पार्ट की सीरीज़ है और मेरे पास ये चारों पार्ट्स ओरिजिनल हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है ऑर्डर ऑफ बेबल, सेकंड पार्ट का नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, थर्ड पार्ट का नाम है वर्ल्ड वॉर। और आपको पता है ही कि मैंने इस कॉमिक का रिप्रिंट ख़रीदा हुआ, इसमें इफेक्ट्स थे और मैंने एक हेल्दी कंपैरिजन वीडियो बनाया था इस कॉमिक का, अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। लास्ट पार्ट का नाम है वीर गति, और इसके मतलब स्टोरी और कॉन्सेप्ट को बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आतंकहर्ता नागराज की जितनी भी सिंगल शॉट कॉमिक्स आई हैं या सीरीज़ आई हैं, और मैंने ये चीज़ एक शुरुआती वीडियो में भी मेंशन किया था कि ये आतंकहर्ता मतलब चाहे सोलो मान लो चाहे सीरीज़ के तौर पे मान लो, क्योंकि मतलब आतंकहर्ता नागराज की जितनी भी सोलो कॉमिक आई हैं वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन सीरीज़ के बारे में बताऊँ तो आतंकहर्ता नागराज की ये इकलौती ऐसी सीरीज़ है जो मेरी फेवरेट है। और अगर मेरा कभी भी मन करता है आतंकहर्ता नागराज की कॉमिक्स को उठाने का, तो मोस्टली मैं इसी सीरीज़ को उठाना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये आतंकहर्ता नागराज की मेरी फेवरेट सीरीज़ है, इकलौती फेवरेट सीरीज़ है। और अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि क्यों मैंने अब जाकर इस सीरीज़ के ऊपर वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, मतलब वीडियो बनाने की सोची, क्योंकि जब ये सीरीज़ ख़त्म हुई थी तो ये सीरीज़ साल 2013 में ख़त्म हुई थी, मतलब अब 10 साल तकरीबन हो ही चुके हैं सीरीज़ को आए हुए। और एक बड़ा मिस्ट्री भी है जो अब तक वैसे सॉल्व नहीं हुआ, वो मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगा। इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें एक ऑर्डर स्क्रॉल होता है, कि मतलब ऐसे 2-3 ऑर्डर स्क्रॉल होते हैं, अगर उनको हासिल कर लिया जाए तो मतलब अगर गलत हाथों में पड़े तो वो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला सकते हैं। और बस वही है कि इसके लिए अलग अलग गुट बने होते हैं, एक गुट इस स्क्रोल को लेना चाहता है, दूसरा गुट इस स्क्रोल को दुश्मन के हाथों लेने से बचाना चाहता है। और हाँ, एक चीज़ और है कि क्यों ये सीरीज़ मेरी फेवरेट सीरीज़ है, मतलब ऐसे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं लेकिन जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे वो आपको बताता जाऊँगा। वैसे तो मतलब चाहे आप क्लासिक नागराज की बात ले लो, चाहे आप आतंकहर्ता नागराज की बात ले लो, जैसे मैं बताया कि जब भी ऐसा कुछ नागराज की कहानी आती है, चाहे क्लासिक नागराज हो चाहे आतंकहर्ता नागराज हो, नागराज ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो देशों में सफ़र करता है, लेकिन ये इकलौती ऐसी सीरीज़ है जिसमें नागराज तकरीबन पूरी दुनिया घूमता है। और इस सीरीज़ की एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इसका आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा शानदार है और एक्शन एक्शन सीक्वेंस का तो कोई जवाब ही नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि जिस टाइम पे ये सीरीज़ आई तो मैं उस टाइम मतलब वैसे तो मैं काफ़ी सारी जैसे काफ़ी सारी सीरीज़ आई तो मैं मोस्टली उस टाइम मैंने उस टाइम को देखा है, मतलब उस एक्सपीरियंस किया है। लेकिन इस सीरीज़ की जो जो बात है वो अपने आप में एक मतलब मेरे लिए तो एक गर्व की बात है कि मैंने हाँ जब ये सीरीज़ आई तो मैंने उसी टाइम इस सीरीज़ का एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि इसमें आपको मतलब आपको एक ऐसा फ्लेवर देखने को मिलता है स्टोरी का, कॉन्सेप्ट का, आर्ट वर्क का, कि मतलब आप अगर आप एक बार पढ़ने बैठते हो तो आप पूरी सीरीज़ बिन जब तक पूरी सीरीज़ पढ़ नहीं लेते
तब तक आप कॉमिक्स को छोड़ोगे नहीं। हाँ, वो बहुत अलग है कि जब ये ओरिजिन टाइम में आई थी तो ऑफ कोर्स की नेक्स्ट पार्ट का इंतजार बेसब्री से होता था। और जैसे मेरी मैक्सिमम कोशिश है कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पेजेस दिखा दूं ताकि आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि आर्टवर्क कितना ज़्यादा शानदार है। बस मतलब एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कहना चाहता हूँ कि अगर आप आत्मकथा नागराज के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज़ लेनी चाहिए। हर हालत में लेनी चाहिए। अगर आप आत्मकथा नागराज के फ़ैन नहीं भी हो और आप अगर आप एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन और आर्टवर्क को एंजॉय करना चाहते हो तब भी आप इस सीरीज़ को खरीद सकते हो। फुल पैसा वसूल सीरीज है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये सीरीज़ खरीदोगे और आप स्टोरी पढ़ोगे तो आप किसी भी तरह से डिसअपॉइंट होगे। इसका तो बहुत ही रेयर चांस है। मतलब पर्सनली मुझे बहुत ही कम ऐसी कॉमिक्स पसंद आती हैं जिनकी मैं इतनी तारीफ़ें कर सकूं। हाँ, लेकिन जो है, लेकिन मुझे खुशी भी है कि कुछ कुछ कॉमिक्स तो हैं ऐसी जिनकी मैं तारीफ बिना रुके कर सकता हूँ। हालांकि मतलब इस सीरीज़ के बाद आत्मकथा नागराज की क्षतिपूर्ति सीरीज़ भी आई थी जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ और वो इनकम्प्लीट है। और उस सीरीज़ के बारे में मैं कह नहीं सकता कि अच्छी है कि बुरी है, क्योंकि जब तक वो सीरीज अगर वो सीरीज़ कंप्लीट हो जाती तब तो जजमेंट देना आसान भी है। पर हाँ, उसकी स्टोरी लाइन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही थी। लेकिन हाँ, जितना मैंने इस आत्मकथा नागराज की कॉमिक्स पढ़ी हैं, यही इकलौती सीरीज़ है जो मुझे पसंद है और मेरी फेवरेट लिस्ट में आती है। साफ पता चलता है कि जब ये सीरीज़ आई थी तो स्टोरी और आर्टवर्क के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया गया था और पूरे दिल लगा के काम किया गया था। और इस सीरीज़ के लास्ट में कुछ ऐसा भी होता है, जब ये लास्ट पार्ट जब आया था तो एक इम्पैक्ट देखने को मिला था, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसको जो थर्ड पार्ट है वो तो मैं, इसमें एक ख़ास बात ये है कि इसमें क्लासी नारद के जो ने जितने भी सफ़र किए हुए थे उनमें से कुछ सफ़र का यहाँ पर जिक्र भी होता है और कुछ पुराने करेक्टर्स का रिटर्न भी देखने को मिलता है। और ये आत्मकथा नागराज की सबसे पहली कॉमिक मान लो, सीरीज मान लो, ऐसी है जिसमें पुराने करेक्टर्स का जिक्र भी होता है। नहीं तो इससे पहले जितने भी आत्मकथा नागराज की कॉमिक्स आई हैं वो क्या बोलते हो उसको, कनेक्टेड फील बिल्कुल भी नहीं होती थी पुरानी कॉमिक्स से। मतलब ऐसा मेरा मानना है। और मैंने बताया था कि इस कॉमिक का मेरे पास रिप्रिंट वर्जन जरूर है जिसपे इफेक्ट्स वगैरह डाले गए हैं। हाँ, नो डाउट कि वो रिप्रिंट काफ़ी ज़्यादा शानदार है। पर वही बात है कि ये वाला वर्जन मेरे दिल के करीब है, मतलब ये चारों कॉमिक्स। एक्शन सीक्वेंस आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पर रुएबा खातून देखने को मिलेगी और इसमें आपको लाल मोत देखने को मिलेगा, शांगो देखने को मिलेगा, मिस तकाशी देखने को मिलेगी और भी कुछ करेक्टर्स हैं पुराने करेक्टर्स जिनका अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। और ये नागद्वीप का सीन है, आपको विलियम या विक्टर का विक्टरी आइलैंड जो है उसका आपको जिक्र देखने को मिलेगा। मतलब एक तरह से आप ये मान लो कि ये जो ये पार्ट है वो फुल नोस्टैल्जिया को कवर करता है। लंगारा जाते कि आपको इच्छा से सांप देखने को मिलेंगे। अब लास्ट कॉमिक आती है वीरगति सीरीज। वीरगति अगेन आर्टवर्क काफ़ी ज़्यादा शानदार,
मैं बताया था ना कि लाल मौत की एंट्री भी होती है। मेरा बस चले तो मैं आपको इस सीरीज का एक एक पेज दिखा दूं, बट वही बात है कि ना तो ये अच्छी बात है। लेकिन मेरा आपको सच्चाई को तो मेरा बहुत इच्छा है कि आपको इस सीरीज का एक एक पेज दिखाओ, बट वही बात है कि कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट और स्टोरी तो मैंने आपको बहुत हल्के तौर पे बताया, लेकिन हाँ आप खुद से पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इतनी जी एक बात, ये चीज़ तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इसमें आपको मतलब नागराज के, आतंकवाद नागराज के, क्लासिक नागराज के मम्मी पापा आपको देखने को मिलेंगे, तक्षक राज और ललिता देवी, ये भी एक इमोशनल सीक्वेंस था। इसमें कुछ कुछ राज उजागर होते हैं, जैसे जो इस सीरीज का मेन विलन है वो शुरुआत से ही नागराज के ऊपर नज़र रखे हुए था। मैं वो सीन ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर है, ये रहा। इसमें मतलब नागराज जो ये पैनल आपको दिखा रहा हूँ, ये नागराज की पहली कॉमिक्स से मतलब उठाया गया है, मतलब एज इट इज़ नहीं, मतलब रिड्रॉ किया गया। और इसमें आपको नागराज ने कौन कौन से विलन से लड़ा उसका एक छोटा सा समरी टाइप दिखाया गया है। ये पार्ट फुल ऑन एक्शन से भी भरा है, स्टोरी अच्छी स्टोरी से भरा है और इमोशन से भी भरा हुआ है। और मुझे याद है कि जब ये लास्ट पार्ट आया था, और सब ऑफ कोर्स कि काफ़ी लोगों ने ये सीरीज़ पढ़ ली थी, तो मतलब पूरा फेसबुक, क्योंकि ग्रुप भी होता ग्रुप्स भी होते थे और आरसी के ऑफिशियल पेजेस भी होते थे, तो सभी तरफ सन्नाटा छा गया था। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब होता है कि आतंकहर्ता नागराज वीरगति को प्राप्त हो जाता है। मुझे याद है कि काफ़ी लंबे टाइम तक लोगों में सदमा था, बट वही बात है कि हाँ चाहे हमने मतलब आत्मघर्तन क्षतिपूर्ति में हमने एक ऐसा नाराज भी देखा जिसके ऊपर आत्मघर्तन नाराज होने का शक भी है, और सुनने में तो ये भी आया है कि हालांकि मुझे पता था ही कि कभी ना कभी ऐसा होगा ही होगा कि सरुनाई के पार्ट्स में तीनों नागराज का क्रॉसओवर भी देखने को मिलेगा। मतलब सुनने में ये आया कि लेटेस्ट पार्ट में आतंकर्ता नागराज और नरकनाशी नागराज सर्वनायक के लेटेस्ट पार्ट में देखने को मिले हैं सर्फ समर में। मतलब मेरे एक दोस्त, उन्होंने मुझे वैसा बताया था। इस सीरीज में जैसे मैंने बताया कि इस सीरीज को इसी साल में बनाने का यही मकसद था कि एक तो इस सीरीज को आए हुए 10 साल हो चुके हैं, प्लस लास्ट में से दिखाया जरूर गया है कि आतंकर्ता नागराज मर चुका है, जिसकी मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई कि वाकई में मरा है या बच गया है, अगर बच गया है तो कैसे बच गया है, ये अभी तक एक रहस्य है। बस इस वैसे तो मैं बहुत अगर मेरा बस चले तो मैं काफ़ी काफ़ी लंबी वीडियो बनाऊं, बट वही बात है कि कुछ कारणों की वजह से मैं लंबी वीडियो बना नहीं सकता। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।